आपको हाथ के इस पोर्शन में सुन्नपन, झुंझुनाहट और हाथ की मांसपेशियों में कमजोरी जैसा महसूस होता है तो यकीनन आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, जिसे हम मीडियन नर्व कंप्रेशन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम कैसे होता है। हम सभी के हाथ में कलाई के पास एक टनल होती है, जो टनल बोन्स एंड लिगामेंट से बनती है। वहाँ से कई सारे मसल्स के टेंडन और मीडियल नर्व पास होती है। मीडियल नर्व सर्वाइकल स्पाइन से निकल के बाजुओं से पास होके वो टनल में पास होती है और हमारे हैंड एंड फिंगर को मूवमेंट एंड सेंसेशन सप्लाई करती है। ये 3 सिम्टम्स के अलावा पेशेंट को चीज़ें ग्रिप करने में भी प्रॉब्लम आती है और चीज़ें हाथों से गिर जाती है। CTS के बहुत सारे रीजंस होते हैं। नर्व पे प्रेशर बढ़ने के कारण नर्व पे दबाव आना शुरू होता है और उसके कारण CTS के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे और रीजन हैं, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड डिसफंक्शन, प्रेगनेंसी एंड मेनोपोज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कंप्यूटर वर्क। आप जब टैक्सिंग या माउस यूज़ कर रहे हैं तब आपका रिस्ट ओवर एक्सटेंडेड पोजिशन में रहने के कारण भी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसके साथ साथ पियानो प्ले कर रहे हैं, पावर टूल या हैंड टूल यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में रिलीफ मिले। फर्स्ट, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफ रिस्ट, उसमें हाथ को कोने में से सीधा रखना है एंड दूसरे हाथ से फिंगर को होल्ड करना है एंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ऐसे 10-15 सेकेंड होल्ड रखना है एंड रिलैक्स करना है। फिर से आपको 10-15 सेकेंड होल्ड करना है एंड रिलैक्स करना है। ऐसे 3-4 रिपीटेशन करने हैं। सेम आपको हाथ को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, 10-15 सेकेंड होल्ड रखिए, फिर रिलैक्स कर दो। फिर से 10-15 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स। इसमें भी 3-4 रिपीटेशन आपको करने हैं। सेकेंड, मीडियन नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज, इसमें हाथ को 90 डिग्री साइड में से ऊपर उठाना है और हाथ एल्बो में से सीधा रहना चाहिए एंड शोल्डर को नीचे प्रेस करना है, नेक को ऑपोजिट साइड बेंड करना है। फिर धीरे धीरे रिस्ट में से हैंड की मूवमेंट करनी है ऊपर और नीचे। ऐसे 10-15 रिपीटेशन आपको करने हैं। थर्ड, टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज, इसमें हाथ को सीधा रखना है, फिर फिंगर से हुक ग्रिप बनानी है एंड फिस्ट करनी है, फिर हाथ को टेबल टॉप पोजीशन में लेना है एंड फिंगर को पाम की ओर ले जाना है, फिर रिलैक्स करना है। फिर से सेम आपको 10-15 रिपीटेशन करने हैं। हुक ग्रिप बनाना है, फिस्ट करनी है, टेबल टॉप पोजीशन लेनी है एंड फिंगर को पाम की ओर ले जाना है एंड स्ट्रेट करना है।